घर पर पार्टी कर रहे थे, तभी दरवाजे की घंटी बजी। लड़का दरवाजा पर गया तो दरवाजे पर कोई नहीं था। वह फिर दारू पीने के लिए गिलास उठाने जाता है तो पूरी गिलास खाली होती है। लड़का गुस्से में अपने दोस्त को जान से मार देता है और उसकी बॉडी को पीछे वाले कमरे में छिपा देता है और रूम में आता है। पर ये क्या, उसका दोस्त सामने बैठकर दारू पी रहा था। लड़का डर जाता है और सोचा, मैंने तो इसे मार दिया था। इतने में उसका दोस्त वहां से गायब हो जाता है। लड़का डर से वहीं बेहोश हो जाता है। एक आदमी खाना खाकर घर पर टहल रहा था, तभी वहां रखा झूला हिलने लगता है और झूले पर एक बच्चा आ जाता है और अचानक गायब भी हो जाता है। आदमी यह देख कर डर जाता है और डर से वहीं बेहोश हो जाता है। एक बच्चा घर पर खिलौनों से खेल रहा था, तभी उसका पिता आता है और उसे एक नया खिलौना देता है। बच्चा नया खिलौना देखकर खुश हो जाता है और खिलौनों से खेलने लगता है। तभी पिता का फोन बजता है तो फोन में उसकी पत्नी थी। उसने बोला, आज मैं घर देर से आऊंगी, बच्चा भी मेरे साथ में ही है, आप खाना खाकर सो जाना। आदमी इतना सुनते ही हक्का बक्का हो जाता है और बच्चे की तरफ देखता है तो बच्चा उसकी आंखों के सामने गायब हो जाता है। देखकर वहीं बेहोश हो जाता है। एक बार की बात है, एक बच्चा अपने घर पर अपने पिता के साथ खेल रहा था। बच्चा खेलते खेलते थक कर सो जाता है। उसे सोए एक घंटा हो गया था। थोड़ी देर बाद उसकी नींद खुलती है तो वह खुद को घर पर अकेला पाता है। वह घबरा जाता है और अपने पिता को फ़ोन लगाता है। फ़ोन की घंटी बजती है। पिता फ़ोन उठाता है। बेटा पूछता है, पापा आप किधर हो? तो पिता बोलता है, बेटा आज मुझे घर आने में थोड़ी देर हो जाएगी। बच्चा यह सुनकर हक्का बक्का हो जाता है और सोचने लगता है, थोड़ी देर पहले वह जिसके साथ खेल रहा था वह घर पर कौन था? अगर आपको समझ आया तो कमेंट में जरूर बताएं। एक गरीब आदमी काम मांगने एक घर में जाता है। उसे काम मिल जाता है, वह अच्छे से काम करता है। तभी एक दिन काम करते समय उसे एक मटका मिलता है। वह मटके के पास जाता है और मटके का ढक्कन जैसे ही हटाता है उससे एक चुड़ैल निकलती है और आदमी से कहती है, तुमने मुझे आजाद किया है, मांगो क्या मांगते हो? बोला, मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे अमीर कर दो। चुड़ैल ने चुटकी बजाकर उसे अमीर बना दिया। वह अमीर बनकर बहुत खुश होता है और चुड़ैल का धन्यवाद करता है और चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है। लड़का पटाखों से खेल रहा था, तभी उसकी बहन आती है और सारा पटाखा उसे छीन लेती है। लड़का रोने लगता है। बहन पटाखा लेकर वहाँ से भागकर दूसरे कमरे में जाती है, पर वहाँ भी उसका भाई पटाखों के साथ खेल रहा था। वह सोची, मैं तो सारे पटाखे ले ली थी इससे और यह तो आगे वाले रूम में था, तो मुझसे पहले यहाँ कैसे आया? तभी बच्चा और पटाखा दोनों गायब हो जाते हैं। बहन के हाथ में रखा पटाखा भी गायब हो जाता है। वह यह देख कर डर से वहीं भी होश हो जाती है। अपनी बच्ची के साथ पटाखे फोड़ रहा था, उनका पटाखा खत्म हो जाता है। वह दूसरा पटाखा लेने के लिए थैली ढूंढता है तो वहाँ नहीं होता। वह इधर उधर देखता है और पीछे की तरफ मुड़ता है तो एक चुड़ैल खड़ी होती है। वह चुड़ैल को देखकर डर जाते हैं। तभी वह चुड़ैल उसकी तरफ आती है। चुड़ैल उसके पास आती है और उसकी बेटी को लेकर वहाँ से गायब हो जाती है। आदमी यह देखकर डर से वहीं बेहोश हो जाता है। एक माँ घर पर बैठकर फोन देख रही थी, तभी उसका बेटा आता है। वह भी माँ के पास बैठ जाता है और बोला, माँ मुझे कुछ खाने को दे दो। माँ को गुस्सा आ जाता है क्योंकि वह फोन पर अपना फेवरेट शो देख रही थी। वह गुस्से में किचन में जाती है और सोचती है, यह रोज मेरे शो के टाइम ही खाना मांगता है, आज इसको मजा चखाती हूँ। वह भूत का गेटअप बनाकर बेटे के सामने आती है और बेटे को डराती है, पर बेटा नहीं डरता। माँ गुस्से में जैसे ही बेटे को टच करती है बच्चा वहीं बेहोश हो जाता है। माँ हंसते हुए सोचती, यह तो बैठे बैठे ही बेहोश हो गया था, अब मैं मजे से फोन देखूंगी। कहानी का अगला भाग देखने के लिए कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें।